नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमवी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पुलन देवी, दस्यु सुंदरी पुलन देवी, यानी कि बैंडिट क्वीन, ये नाम, ये कहानी, ये केवल केवल और केवल 38 साल की कहानी है। और आज ही के दिन 10 अगस्त को उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका जीवन जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं था। जैसा हम और आप लोग उसे जानते हैं, समझते हैं, वो वैसी नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी पूरी एक किताब है जिसके हर पन्ने पे दुख दर्द तो है ही, साथ में एक हिम्मत है, एक हौसला है। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, मैं हर बार यही बोलती हूँ, लेकिन आज ये उस महिला की कहानी है जिसको आज भी लोग उसका नाम लेकर के डरते भी हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मैं शुरू में ही आपसे कह रही हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी फुलन देवी की, जो ये कहते हैं कि फुलन अपने साथ जो भी उसके साथ बुरा हुआ था उसके बाद वो खुखार हो गई थी और वैसी हो गई थी जैसा कि आप जानते हैं, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ वो हुआ जो फुलन देवी के साथ हुआ था, तो आपको हजारों हजार फुलन देवी मिलती, लेकिन ये फुलन देवी सिर्फ एक ही है और शायद शायद सिर्फ एक ही रहेगी। तो मैं शुरू करती हूँ फुलन देवी की स्टोरी को राजधानी दिल्ली से। दिन था 25 जुलाई और साल था 2001, देश की राजधानी दिल्ली। दरअसल राजनीति में आने के साथ साथ फुलन देवी ने एक संगठन भी तैयार कर लिया था, एकलव्य संगठन। उसमें शामिल होने के लिए उनके पास एक शख्स आता है, शेर सिंह राणा। फुलन उसका स्वागत करती है, खाने के लिए खीर मंगवाई। शेर सिंह ने खुशी खुशी से खीर खाई और अलविदा कह करके घर से बाहर निकलने लगा। उसका साथ देने के लिए फुलन भी एज ए कर्टसी बाहर तक आती है और घर की चौखट तक पहुंचती है कि तभी शेर सिंह के जहन में जो वो लेकर के आया था अपने साथ, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। यानी कि उसके जहन में कुछ था, उसे कुछ करना है। उसने घर के गेट पर ही फुलन देवी को गोली मार, चौखट पर फुलन धड़ाम से गिरी। कल तक जो एक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, आज वो एकदम शांत हो गई थी, बिल्कुल खामोश। फुलन की मौत पर शेर सिंह राणा ने कहा था कि अब जाकर के भयमयी हत्याकांड का बदला पूरा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त का दिन था 2014 को दिल्ली के एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन फुलन देवी की सोच और हिम्मत को वो खत्म नहीं कर पाया था। उसने फुलन को खत्म किया, लेकिन वो उसकी सोच और उसके जज्बे को खत्म नहीं कर पाया था। फुलन देवी के जीवन की शुरुआत होती है यूपी के जालौन से, जिला जालौन कानपुर झांसी रोड पर है। वैसे तो इस जिले का नाम ऋषि जलवान के नाम पे पड़ा था, लेकिन दुनिया को इसने परिचय करवाया फुलन देवी ने। लोग कम जानते थे इस इलाके को, लेकिन जब फुलन ने अपने कारनामे शुरू किए तो इस गांव को भी लोग जानने लगे। फुलन का परिवार काफी गरीब था, छोटी जाति थी, लेकिन छोटी जाति की लड़की के तेवर बड़े, बहुत बड़े थे। वो किसी के सामने झुकती नहीं थी,
और ना ही किसी से दबती थी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये क्वालिटी किसी महिला में हो तो उसे कौन पसंद करेगा, वो भी पुरुषवादी समाज में कौन पसंद करेगा। 1974 की बात है, उस समय फूलन करीब 10 साल की थी। तब पता चला कि सगे चाचा ने दबंगई से उसके पिता की जमीन हड़प ली। अब ये जान करके वो अपने सगे चाचा से ही भिड़ गई। जमीन पाने के लिए वो धरने पे बैठ गई और इसके विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट मार के हमला कर दिया। लेकिन फूलन तो फूलन थी, उसने हार नहीं मानी, विरोध जताया। लेकिन थी तो वो एक मासूम सी लड़की, एक औरत। महज 10 साल, गुस्सा और तेवर ऐसा जैसे कि बहुत बड़ा वाला गुस्सा। ऐसे में घर वालों ने हाथों में बेड़िया बांधने का सोचा, यानी कि उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सोचा। और लड़कियों को बांधने का समाज में सबसे जो आसान तरीका होता है कि उसके हाथ पीले कर दीजिए। फूलन भी उसी फेरिस्त में शामिल हो गई। 10 साल की उम्र में ही घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी ताकि उसके तेवर दब जाए। और शादी किससे की, उस व्यक्ति से जो उससे करीब 40 साल उम्र में बड़ा था। ना चाहते हुए भी वो बालिका वधू बन गई। कुछ विरोध किया, थोड़ा सा रोई, लेकिन ससुराल तो जाना ही था। ससुराल पहुंची, ना चाहते हुए भी पति के साथ संबंध बनाने को मजबूर हुई। वैसे ही जैसे किसी छोटी लड़की से कोई अधेड़ जबरन जबरदस्ती करता है, ठीक उसी दर्द से फूलन भी गुजरी। लेकिन क्या कर सकती थी, समाज की खातिर वो चुप रही। सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और यही सोचते सोचते कुछ साल निकल गए। दोनों पति पत्नी की उम्र का फासला कम कैसे हो सकता था, वो तो बढ़ता ही चला गया। वो उस पति को सह नहीं पाती थी, ऊपर से घर के कामकाज का बोझ। थी तो वो बहुत मजबूत दबंग, लेकिन उम्र भी कोई चीज होती है। महज 12-13 साल में एक छोटी सी लड़की कितना सहती। धीरे धीरे फूलन की तबीयत खराब होने लगी, इतनी खराब कि उसे मायके लौटना पड़ा। लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरीके से लौटना गवारा नहीं हुआ, इसलिए भाई ने कुछ समय के बाद ही फूलन को फिर से ससुराल पहुंचा दिया। अब फूलन फिर से उसी जगह पहुंची जिसे वो अपने जीवन का काला पानी मान रही थी, काला पानी जैसी सजा मान रही थी। लेकिन ये सजा उसकी उस समय और भी बढ़ गई जब उसे पता चला कि जिस दौरान वो अपने मायके गई थी, पति ने दूसरी शादी रचा ली। अब फूलन देवी बेसुध थी, गुस्से में थी, आपत्ति भी जताई, लेकिन क्या फायदा होना था, उल्टा पति ने काफी फटकारा। पति की दूसरी बीवी ने भी उसे खूब लताड़ा, सरेआम बेइज्जती की, फिर घर से थक के मार करके उसे निकाल दिया गया। अब फूलन क्या करे, कहाँ जाती। वो मायका जहाँ से हाथ पकड़ के उसे ससुराल लाया गया था, मजबूर होकर के वो अपने घर लौटी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अब वो बाहर ज्यादा रहती थी और इसी बीच वो डकैतों के गैंग के संपर्क में आई और उनके साथ उसने घूमना फिरना शुरू कर दिया। ये साथ उसे अच्छा लगने लगा, उसने बंदूक चलाना सीख लिया था, ये भी उसे अच्छा लगता था। कुल मिला के एक तरीके से घर वालों की अनदेखी और ससुराल में जो उसे तिरस्कार मिला, जो उसे उसकी बेइज्जती हुई, उसी एक फील ने उसे डकैतों के आंगन में पहुंचा दिया। हालांकि फूलन डाकू के संपर्क में कैसे आई, इसको लेकर के पुलिस कई थ्योरियां बनाती रही, कई सारी कहानियां बनाती रही। कोई कहता है कि वो अपनी मर्जी और मजबूरी में डाकुओं से जुड़ी, तो कोई ये कहता है कि उसे डाकू उठा के ले गए थे। लेकिन इन सब बातों के कोई कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लिहाजा फूलन की आत्मकथा में लिखी उसी बात पर भरोसा करते हैं जिसमें डाकुओं से संपर्क में आने के बारे में फूलन ने कहा था कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। दिन रात रहती थी, हंसती घूमती फिरती मस्त एकदम। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुजर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्लाह को
पसंद आने लगी। विक्रम भल्ला अंदर ही अंदर बाबू गुज्जर का दुश्मन बन बैठा और आखिरकार ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आती है, जिसका शिकार हुआ डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर। विक्रम ने बाबू गुज्जर को गोलियों से भून डाला। राजा वही बनता है जो राजा को मारता है, तो डाकुओं का सरदार भी वही बन गया और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। दरअसल ये लड़ाई विक्रम और गुज्जर के साथ फूलन के कारण ही हुई थी। छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुज्जर की हत्या होना एक गैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो गैंग था ठाकुरों का, जिसकी कमान श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मान रहे थे। अब दोषी मान लिया तो बदला लेना तो ठाकुरों की फितरत होती है, सो उन्होंने फूलन से बदला लेने की ठान ली। लेकिन वो ये जानते थे कि विक्रम मल्ला ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए फूल को तोड़ने से पहले कांटे को निकालने में जुट जाते हैं सारे ठाकुर। पहले विक्रम मल्ला की हत्या होती है, फिर ठाकुर गैंग फूलन को अगवा कर लेता है, पर अपहरण के बाद फूलन को बेहमही गांव ले जाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फूलन के साथ बहुत गलत किया। ये हम बैंडिट क्वीन फिल्म में भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। और जब इसके बारे में फूलन से सवाल किया था तो फूलन ने एक लाइन में इसका जवाब दिया था, ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत बुरा वाला मजाक किया था। फूलन के जवाब के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई महिला खुद अगर उसके साथ कोई गलत काम होता है तो उसे कैसे स्वीकार कर ले। वो घटना चाहे हुई हो या ना हुई हो, ये बात सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बना के रखा था। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाए रखा जाए, उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाए, वाकई इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ऐसी प्रताड़ना कोई झेल नहीं पाता और कोई खामोश रह जाता है। ये फूलन थी, बचपन में जमीन को लेकर भिड़ गई थी, तो फिर ये सजा तो मौत से भी बदतर थी। फिर क्या था, सवाल इज्जत का था और सामने बेइज्जती करने वालों के हैवानों का चेहरा, लिहाजा फूलन ने डाकू का चोला पहन लिया। फूलन को खाकी वर्दी और इंस्पेक्टर वाले 3 स्टार बहुत पसंद थे, इसलिए हमेशा वो खाकी की वर्दी पहन करके बदला लेने की फिराक में रहती थी। और फिर आखिर वो दिन आ गया, 14 फरवरी 1981 की बात है। इस दिन उस गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी डाकुओं को लेकर के वो वहाँ पहुँचती है। फूलन देवी ठीक उसी जगह पहुँचती है जहाँ पर 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहाँ आते ही फूलन ने दो उन लोगों को पहचान लिया था जिन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। उसने सवाल पूछा, बेइज्जती करने वाले बाकी लोग कहाँ हैं? उन दोनों के मुँह से कोई जवाब नहीं निकला। उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को बढ़ा रही थी और गुस्सा इतना बढ़ा कि वो 22 ठाकुरों को घर से बाहर निकाल के ले आई, सभी को लाइन में खड़ा कर दिया और फिर घुटनों के बल बैठ जाने को कहा और आखिर में सभी को गोलियों से भून डाला। महज कुछ ही मिनटों में 22 लोगों की हत्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नरसंहार था जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और उसने यूपी का नाम सब जगह पे सबसे ऊपर कर दिया। ये वो घटना थी जिसके बाद फूलन देवी को पूरी दुनिया जान गई थी, तो फिर उत्तर प्रदेश और अपना देश कैसे बचे रहते। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन चर्चा में आई फूलन देवी। मीडिया ने भी फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दे दिया और सरकार ने उसके सिर पे इनाम रख दिया, लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, पुलिस भी उस तक पहुंच नहीं पाई। फिर क्या था, इस मामले में उस समय की राज्य सरकार हिल गई।
महमई कांड की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फूलन फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस डाकुओं के ठिकानों पे छापेमारी करने लगी। कई छोटे मोटे डाकू बेचारे उनका एनकाउंटर हो गया, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस के लिए अभी सपना ही था। एक साल तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन को सरेंडर करने के लिए एक योजना बनाई। जिम्मेदारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई। यही से फूलन देवी की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आता है, एक नई शुरुआत होती है। ये शुरुआत करने वाले पुलिस अधिकारी थे राजेंद्र चतुर्वेदी, बेहद शांत और इरादों से बेहद मजबूत। कुछ ठान ले तो उसे पूरे किए बिना वो वापस नहीं लौटते थे। अकेले दम पर वो मध्य प्रदेश के उस समय के सीएम अर्जुन सिंह से दावा करते हैं कि वो फूलन को सरेंडर करवाएंगे, फिर इस मिशन में वो जुट जाते हैं। और बाद में काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में पूरी कहानी बयां की, जो उस दिन की सारी कहानी को समेटती है, जब वो पहली बार फूलन देवी से मिलने गए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि वो 5 दिसंबर 1982 की रात थी, खुद बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का करीबी था। उस वक्त बेहद ठंड थी, हवा भी बहुत तेज चल रही थी, कब कभी छूट रही थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। बाइक भीड़ों से गुजर रही थी, तभी बाइक के पीछे बैठे शख्स ने कंधे पे हाथ रख करके रुकने का इशारा किया। फिर दोनों लोग पैदल आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें हाथ में लालटेन हिलाता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। दोनों ने उसी लालटेन वाले के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और फिर वो जाके रुकते हैं एक झोपड़ी के आगे। यहाँ कुछ खाने को दिया गया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिले। 1 घंटे तक रुकने के लिए कहा गया। यहाँ समय बिताने के बाद डाकू पुलिस अधिकारी को बाइक पर लेकर के चंबल नदी की तरफ चलने लगे। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी गई और इसके बाद साथी ने टॉर्च निकाली और घने पेड़ों और जंगलों के रास्ते से ले जाने लगे। वहां से चलता हुआ एक अलाप दिखाई दिया। इसे देख करके राजेंद्र चतुर्वेदी ने ये अंदाज लगाया कि शायद वहाँ कुछ खास होने वाला है, लेकिन अंदाजा गलत था। यहाँ भी फूलन देवी से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ से डाकुओं का तीसरा साथी फिर से उन्हें लेकर के कई किलोमीटर दूर गया। इस तरीके से पूरी रात चलते चलते वो थक चुके थे और सुबह होने को थी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकती हूँ। जो अब तक मैंने समझा, जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े डॉन होते हैं, वो जब किसी का काम भी तमाम करवाना होता है तो वो रास्ते में एक मोड़ पे दूसरी गाड़ी लेते हैं, दूसरे मोड़ पे दूसरी गाड़ी लेते हैं, और अगर उनका 10 किलोमीटर का स्पैन है तो उसमें वो करीब करीब 5 गाड़ियां बदलते हैं। जिस तरीके से अभी अभी हमने देखा मूसेवाला की हत्या में भी ठीक यही लाइन पकड़ी थी जिन लोगों ने मूसेवाले की हत्या की थी। खैर, यहाँ हत्या की बात नहीं थी, यहाँ तो पहुँचना था फूलन देवी के पास, लेकिन हर बार आधे रास्ते से कोई उनके साथ दूसरा व्यक्ति शुरू हो जाता चलना। वो व्यक्ति वो पीछे छूट गया था जो उनको अपने साथ लेकर के आया था। और सुबह से ठीक पहले बीहड़ में एक खास जगह वो पहुंच जाते हैं और वहाँ की झाड़ियों में नीले रंग का बेल बॉटम और नीले रंग का ही कुर्ता पहने हुए एक महिला सामने आई। कंधे पे राइफल लटक रही थी, उसके बाल घने थे, कंधों तक लटके हुए थे और वो अधिकारी उसको देखते ही रह गए। तभी उसने मेरे पैर पर कुछ रख दिया। देखा तो ये 500 रुपये थे। ये देख करके वो हैरान रह गए। क्या फूलन देवी ऐसी है? फूलन देवी ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई, चाय के साथ उन्हें चूड़ा खाने के लिए दिया और फिर दोनों में बातें शुरू होती हैं। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत कैसे हो, इस पर पुलिस अधिकारी ने बहुत पहले से ही काफ़ी होमवर्क किया हुआ था। वो फूलन से मिलने से पहले उसके घर यानी कि फूलन के माता पिता से मिल करके आए थे, उनकी कई बातें रिकॉर्ड की थी, कुछ फोटोग्राफ्स थे उनके पास
और उन्हें ये अंदाजा था कि महिला तो महिला होती है, उसका मन कोमल होता है, उसमें ममता कूट कूट के भरी होती है, भले ही वो इसका दिखावा करे या ना करे, वो इमोशनल होती है। यही सोच करके राजेंद्र चतुर्वेदी ने बात शुरू की फूलन के घर से। तो वो कहते हैं कि आपके घर गया था मैं। ये सुनकर के फूलन देवी चौंक जाती है, पूछती है कब। राजेंद्र चतुर्वेदी जवाब देते हैं पिछले महीने। ये सुनते ही फूलन ने तपाक से पूछा वहां मुन्नी मिली आपको। पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया हाँ, आपकी बहन मुन्नी, माँ और पिताजी सब मिले। फिर सबूत के तौर पे उन्होंने परिवार की तस्वीरें दिखाई। फूलन उन तस्वीरों को देखती रह गई और उन्हें निहारने लगी। तभी अचानक फूलन एक आवाज सुनकर के चौंक जाती है। वो आवाज मुन्नी की थी। ये आवाज कहाँ से आई, फूलन ये सोचने लगी। तभी जो अधिकारी पहुंचे हुए थे राजेंद्र चतुर्वेदी, उन्होंने फूलन को टेप रिकॉर्डर दिखाया और उसमें परिवार से बातचीत के दौरान की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई। ये सुनकर के फूलन काफी इमोशनल हो गई, ऐसे मानो सारा तनाव उसका दूर हो गया हो। वो बहुत देर तक शांत बैठी रही और सोचने लगी कि पुलिस अधिकारी उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। यही सोच के फूलन ने सवाल किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि हम चाहते हैं आप सरेंडर कर दें। सरेंडर और फूलन देवी, ये सुनते ही फूलन भूल गई कि कुछ देर पहले वो काफी सॉफ्ट थी, अपने सपनों के घर में पहुंची हुई थी। उसे सिर्फ याद रह गया कि वो डाकू फूलन है और उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। उसका चेहरा लाल हो गया, आवाज भारी हो गई और वो चिल्ला कर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल दूंगी। मैं फूलन देवी हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूँ। ये देखकर मानो पूरे भीड़ में सन्नाटा पसर गया। उस वक्त जो डाकू जहाँ थे वहीं खड़े रह गए, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार फूलन के सबसे करीबी मान सिंह ने किसी तरीके से फूलन को शांत किया, समझाया कि ये काफ़ी सोच समझ के यहाँ आए हैं, पहले पूरी बात हो जाए फिर कोई फैसला करेंगे। दोपहर हो जाती है, उस दिन फूलन ने खुद ही खाना बनाया, बाजरे की मोटी मोटी रोटियां और इसके साथ आलू की सब्जी और दाल परोस कर खाने को दी। खाना खा करके राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कुछ और फोटो खींची और उन्हें दिखाई, जिसे देख करके फूलन बड़ी खुश हो जाती है। बोली, आप तो जादूगरी हो, यानी कि आप जादूगर हैं। उसके बाद फिर फूलन ने पूछा, आपको ये कैसे भरोसा है कि मैं सरेंडर करने पर बच जाऊंगी, मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद भेजा है, इसलिए भरोसा नहीं करने का कोई सवाल नहीं। इस पर फूलन सबूत मांगती है। जवाब में चतुर्वेदी कहते हैं कि किसी के साथ भेज दीजिए, उन्हें सीधे सीएम से मिलवाऊंगा। ये सुनकर फूलन का एक साथी पुलिस अधिकारी के साथ भेजने को राजी हो जाती है। साथ में फूलन ने अपनी माँ के लिए एक अंगूठी भी भिजवाई। इस तरह राजेंद्र चतुर्वेदी बीहड़ से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं और सीएम से मुलाकात करते हैं। सीएम से मुलाकात की जानकारी फूलन को मिलती है, तब राजेंद्र चतुर्वेदी पर भरोसा फूलन का और भी बढ़ जाता है। इसके कुछ महीने बाद ही राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फूलन से फिर से मिलने आते हैं। इस बार फूलन की गोद में बच्चे रख करके वो वचन देते हैं कि वो सरेंडर करेंगी तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। फिर 13 फरवरी 1983 जगह मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MGS कॉलेज, जहां सुबह से ही देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वजह थी खौफ का दूसरा नाम कही जाने वाली फूलन देवी का सरेंडर होना। मध्य प्रदेश में उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर करने से पहले वाली रात फूलन एक सेकंड भी सो नहीं पाई। उसने कुछ नहीं खाया, घबराहट में एक गिलास पानी तक उसने नहीं पिया, जिसका नाम सुनकर के दूसरों की नींद उड़ जाती थी, आज उसकी नींद उड़ी हुई थी। ये देख करके उसका साथी डाकू मान सिंह चुप नहीं रह पाता
और सुबह होते होते डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर ने चेकअप किया, मानसिंह ने तबीयत बिगड़ने की वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा तनाव ज़्यादा हो गया इन्हें, और एक बार तो वहाँ मौजूद लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि फूलन टेंशन में भी आ सकती है, जो सबकी टेंशन बनी हुई थी। फिर डॉक्टर ने समझाया कि तनाव की वजह से इन्हें काफ़ी घबराहट है, इसलिए ये सो नहीं पा रही हैं, कुछ खा नहीं पा रही हैं। ये जानकर उनके साथी और पुलिस अधिकारी ने फूलन को किसी तरीके से नॉर्मल किया, और इसके बाद मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने अपने गैंग के समेत सरेंडर कर दिया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस चले। 11 साल जेल में रहना पड़ा और 1993 में उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौर में मुलायम सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया, फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया और फिर से फूलन की 1914 में जेल से रिहाई करवा दी। उसे नया जीवन मिला और नई उम्मीदें भी। फिर फूलन ने उमेश सिंह नाम की एक व्यक्ति से शादी कर ली। फूलन जेल से बाहर आ गई, नई शादी भी हो गई, लेकिन अब आगे क्या? फूलन को मुलायम सिंह ने एक नया जीवन दिया। जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ने का ऑफर, और 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 1996 में चुनाव लड़ा, जीत भी गई, मिर्ज़ापुर से सांसद बन गई। अब वो बीहड़ के जंगल से निकल करके दिल्ली की संसद तक पहुंच गई। झाड़ी और झोपड़ी में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रह रही थी। 1998 में फिर चुनाव हुए, लेकिन फूलन हार गई। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक साल के बाद फिर 1999 में चुनाव हुए, फूलन जीत गई। राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान ही फूलन ने एक संगठन बना लिया था, उसका नाम था एकलव्य सेना। इस संगठन में हर तरह के लोग जुड़ रहे थे, चाहे वो डाकू रहे हों, चाहे वो गरीबी से उठे हों, कैसी भी जिंदगी गुजार रहे हों, लेकिन इस संगठन से जुड़ने आए एक शख्स ने ही आखिर में फूलन देवी की जिंदगी को खत्म कर दिया। 25 जुलाई 2001, देश की राजधानी, इसी दिन फूलन के घर एक मीटिंग चल रही थी संगठन की, और शेर सिंह राणा वहाँ पहुँचता है। फूलन ने उसका स्वागत किया, खाने के लिए खीर दी, और शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई, अलविदा कहकर के घर से बाहर निकलने लगा। और कटसी के तौर पे फूलन भी उनके साथ बाहर आती है और चौखट पर खड़ी थी कि शेर सिंह ने उन पर गोली चला दी। फूलन एकदम शांत थी, बिल्कुल खामोश, और फूलन की मौत पे शेर सिंह राणा ने कहा अब जाकर हत्याकांड का बदला पूरा हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। 14 अगस्त 1914 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन वो फूलन देवी का जोश, जज्बा और सोच को खत्म नहीं कर पाया। फूलन देवी पे एक किताब प्रकाशित होती है, इस किताब में उनके जीवन के कई पहलुओं को दर्शाया गया है। इस किताब के लेखक रॉय मैक्स हैब फूलन के जेल में रहने के दौरान भी उनसे लगातार वो मिलते रहते थे, मुलाकातें होती थी उनकी, और लेखक रॉय मैक्स हैब ने फूलन देवी के बारे में अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी बहुत खुश मिजाज थी, हमेशा हंसती रहती थी, मजाक करती रहती थी। और राय ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि फूलन ने अपना बचपन काफ़ी गरीबी में गुजारा था, उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता, जिंदगी भर धड़कता रहा। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो गलत न्यायिक प्रक्रिया का शिकार हो गई। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की कहानी। हमने फूलन के बारे में बहुत कुछ सुना है, कई तरह की कहानियां हैं, डाकुओं ने उठा लिया, डाकुओं के साथ रही और न जाने क्या क्या, लेकिन एक्चुअल जो उसकी स्टोरी है वो मैंने आपके साथ साझा की है।
मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इतना ही दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आप पूरी देखिएगा ज़रूर, मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। आपको कैसी लगी ये कहानी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।